दोस्तों, गाड़ी के स्टेयरिंग में जब किट किट का आवाज़ आना शुरू हो जाता है तो इसका प्रॉब्लम है इसकी कॉलम में। इस कॉलम का आवाज़ किस तरह बंद करना है, चलो मैं आपको पूरा वीडियो में बता देता हूँ किस तरह पर इसका आवाज़ बंद करेंगे। देखो, पहले अपने हॉर्न पेड़ खोलेंगे। हॉर्न पेड़ खोलने के लिए इसके अंदर इस साइड में 40 नंबर की एलिंग की आएगी, उसको निकाल लें, खोल के ये हॉर्न पेड़ निकाल लेना है। ये हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। इसका कपलर है एयरबैग का, इसको ध्यान से निकालना है वरना टूट सकता है। बाद में ये सब निकालेंगे हम। बाद में यहाँ फ्यूज बॉक्स का कवर है, यहाँ 10 के 2 बोल्ट आएगा, उसको निकालना है। बाद में हमने ये 2 बोल्ट खोल डाले। बाद में साइड का कवर निकाल के यहाँ एक और दो दूसरे स्क्रू आएंगे, उसको एक कवर के लिए निकालना पड़ेगा। तो हम स्क्रू खोल डालेंगे। ये हमने यहाँ से स्क्रू निकाल डाले। बाद में यहाँ के साइड पर एक स्क्रू आएगा, उसको निकाल लेना है। बाद में ये चिली उसको खींच लेना है कवर को। ये पूरा कवर हमने निकाल लिया है। बाद में थोड़ा सा कवर ऊपर करके यहाँ पे एक आएगा और नीचे की साइड में एक स्क्रू आएगा। यहाँ पे इस कवर स्क्रू निकालने के बाद स्क्रू निकाल लेना है। बाद में कवर निकल जाएगा। बाद में स्टेयरिंग का बोल्ट निकाल लेना है। हमेशा स्टेयरिंग निकालने से पहले इतना ध्यान रखना है कि स्टेयरिंग एकदम सेंटर में हो, क्योंकि बाद में क्लॉक स्पीड टूटने के भी चांस रह सकते हैं। इसमें पूरा स्टेयरिंग निकाल लेंगे। हमने स्टेयरिंग निकाल लिया, पूरा कवर बवर सब निकल चुका है। बाद में ध्यान से क्लॉक स्पिन भी निकाल लेनी है अपने को। ये देखो, ये क्लॉक हुंडई में एक अच्छी सिस्टम है। स्टेयरिंग निकालने के बाद ये क्लॉक स्पिन मूवमेंट इतनी ही करेगी, जिससे घूमेगी नहीं, धीरे टूटने का चांस कम हो जाएगा। इसके लिए अपने को क्लॉक स्पिन के एक कपलर निकाल लेने हैं। एक कपलर निकालने के बाद यहाँ पे एक लॉक आएगा, तीनों साइड एक तीन लॉक आएंगे। निकल गया टाइप के क्लॉक स्पिन बार। बाद में यहाँ पे से एक और दो तीन स्क्रू निकाल लेने, स्क्रू निकालेंगे हम। स्क्रू खोलने के बाद इसको हल्के से धीमे से निकाल लेना है। हमने ये बाहर निकाल लिया है। अब इसके लिए कॉलम बाहर निकालने के लिए अपने को पूरी वायरिंग निकाल ली है, जो पूरी वायरिंग अंदर की साइड एक क्रॉस 14 का बोल्ट आएगा, उसको खोल लेना है। और 12 की 2 नटें आएगी, और 12 की नटें खोलेंगे और 14 का बोल्ट निकालेंगे तो कॉलम बाहर आ जाएगी। तो हमने पूरी कॉलम को डिसअसेंबल कर लिया है, इसको पूरा खोल दिया है। इसको कॉलम 3 बोल्ट आते हैं, और इसको खोलने के लिए देखो, ये हमने खोल लिया है। देखो, यहाँ पे ग्रीस भर देना है। कौन सा, सादा वाला ग्रीस नहीं चाहिएगा, इसका कॉलम का स्पेशल ग्रीस आता है, वो ग्रीस भरना। और ईपीएस मोटर में देखो, ग्रीस ख़राब हो चुका है, इसमें भी हम ईपीएस मोटर का अलग से ग्रीस आता है, वो भी लगाएंगे। देखिए, आपको बताया ईपीएस में कौन सा ग्रीस भरना है, वो लास्ट में आपको मैं बताऊँगा कौन सा ग्रीस आएगा। ठीक है, देखो इसका ग्रीस भी ख़राब हो चुका है, ये भी आवाज़ कर रही थी और कॉलम भी आवाज़ कर रही थी। देखो ये कितना ख़राब हुआ, पूरा ग्रीस ख़राब हो चुका है। तो हम पूरा ग्रीस वापस से ग्रीसिंग करेंगे। इसको खोलने के लिए देखो, स्पेशल टूल आता है, या अंदर के साइड इसको बाहर रॉड को निकाल के अंदर के साइड ग्रीस भरना है। तो इसको हम रॉड को बाहर निकालेंगे, इसमें स्पेशल टूल आता है। देखो इस तरह नट को लूज करनी है, कोई भी पंच या कोई चीज़ से भी ठोक के नट को निकाल सकते हो, पर इसके लिए बाकी दूसरा कूलर चाहिएगा। देखो ये है स्पेशल टूल, जिससे ये अंदर लॉक हो जाएगी और नट खुल जाएगी। हमने नॉक निकाल लिया, ये साफ्ट में से बूसिंग है, ये बूसिंग बराबर है। ये हमने ये साफ्ट निकालेंगे। देखिए साफ्ट निकाल चुकी है। देखो इसका ग्रेस सब एक साइड इकट्ठा हो गया है, और इसके लिए नॉइस आ रहा था, तो हमने इसको एकदम प्रॉपरली लग गया, जैसे धूल मिट्टी नहीं लगनी चाहिए ऊपर, वरना अंदर चली जाएगी तो नॉइस आएगा। देखो हमने अंदर भी एक बूसिंग आता है, वो बूसिंग को निकाल लिया है। बूसिंग के नीचे हम ग्रीस करेंगे थोड़ा, और बाद में लगाएंगे, जिससे प्ले थोड़ी कम हो जाएगी। देखो अंदर की साइड दिख रहा है, मैं बता रहा हूँ, ये हमने अंदर की साइड ग्रीस रख के बूसिंग लगा दिया। बाद में इस साफ्ट में भी हमने ग्रीस भर के लगा दिया। देखो हमने ये फुल जितना हो सके आपसे इतना ग्रीस बना दिया, जहाँ जहाँ भी ज़्यादा ग्रीस होगा तो बाहर निकल जाएगा, और जहाँ जहाँ जगह रहेगी वहाँ सब पे ग्रीस लग जाएगा। तो ओके, तो हमने देखो लग गया प्रॉपर, थोड़ा हार्ड जाएगा और बैठ जाएगा सही। तो एकदम हमने ग्रीस भर दिया है। बाद में हम लास्ट में ये लगाएंगे, वरना इसके पहले लगा देंगे तो कॉलम लगेगी नहीं, तो हम ये लगा देंगे। इसको लगा दिया हमने, इसमें ईपीएस लगाने के लिए पहले ईपीएस ग्रीस लगाएंगे। देखो हमने ईपीएस ग्रीस लगाने का, बताता हूँ मैं 2 मिनट। ये देखो ये ईपीएस ग्रीस आता है 140 के आसपास, खाली एक नॉर्मल सी छोटी सी ट्यूब आती है, स्पेशल ईपीएस का ही ग्रीस आता है। इसको हम लगा दिया, ईपीएस ग्रीस लगा दिया हमने, और ये पूरी मोटर हम लगा देंगे। और हमारी वीडियो
आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ओके, ये हमारी कॉलम तैयार।